ये शायद फरमाए, पैदाइश आपकी कहाँ की है और किस बरादरी से आपका ताल्लुक है, ये शायद फरमाए सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पैदाइश मरकजुल औलिया हुजूर दाता गंज बख्शले कदमों यानी लाहौर शहर की। वाह वाह वाह। और मेरे आबा और दाद यानी दादा और मेरे वालिद ये इंडिया से माइग्रेट करके यानी लाहौर आए, लाहौर पहुँचे और उर्दू स्पीक है यानी वालिद और वालदा दोनों। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब जो है उनका शजरा नसब जो है माशाल्लाह इमाम हसन मुसन्ना से हसनी है, और वालदा का जो हमारे नानकी का शजरा है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है बुखारी साहब। अल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। क्या बात है शाह साहब। तो लाहौर से फिर आपकी फैमिली कब यहाँ, मतलब लाहौर से मैंने जो है वहाँ मैट्रिक का इम्तहान दिया ही होगा क्योंकि वाली साहब पाकिस्तान रेलवे में थे, PRI स्कूल हमारा था साइंस से, तो मुझे याद है मैंने मैट्रिक का इम्तहान देके फिर मैं मदरसतुल मदीना गोधरा आ गया था। उन दिनों में मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब और हम इकट्ठे यानी हमने नाजरा कुरान इकट्ठा शुरू किया था। हाँ, तो फिर तो थोड़ी पंजाबी भी चंगी भली होगी। लेकिन ये कि बस छोटी सी उम्र में आ गए थे, पंजाबी लाहौर चले जाए तो बोल लेते हैं। हाँ। क्योंकि आपको पता है काफी अरसे से यहाँ बैठ के अगर मैं पंजाबी बोलूंगा तो आप नहीं जवाब देंगे पंजाबी में, थोड़ी थोड़ी दे दें बस है। थोड़ा जी है, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपकी शख्सियत में बड़ी सादगी है, तो पूछना ये था कि आप हकीकत में ऐसे हैं कि हमें खाली लगता है ऐसा महसूस होता है। अल्लाह, बस ये आपकी निगाहों का कमाल होगा, तो बस जैसे ऐसे ही रहते हैं, जब जैसा अंदाज है वैसा ही, घर में भी ऐसा ही, बाहर भी ऐसा है। अच्छा, खलवत में इख्तियार ही नहीं है आपके साथ, ये सादा है नहीं है। इसी तरह जैसे अब आप नूट जाओ, मैं तो समझता हूँ कि मुझे बड़ी तरबियत की जरूरत है, लेकिन ये कि जैसे है इसी अंदाज से उठना बैठना मिलना जुलना। अच्छा, बातचीत मुझे शाह साहब खुद भी सादगी मुझे पसंद है, सादा लोग जो ना ज्यादा तेज तरह लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं रहता। मैं खुद भी मतलब सादा मिजाज हूँ, मतलब बेवकूफ़ होना और होता है और सादा होना और होता है, तो मैं बेवकूफ़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं हूँ पर सादा हूँ। तो इसलिए मैंने खास तौर पर आपसे ये सवाल किया कि आप मतलब सादा हैं या आप मतलब आप हमें लगता है खाली, ये मेरा सवाल था हकीकत में। ये है कि जिस तरह सब बुजुर्गों की सोबत में रहे हैं जो उनसे सीखा है, और यही रहता है कि हर एक से प्यार करना, हर एक से मोहब्बत करना, जैसे कोशिश की जाती है। बड़े बड़े अकाबरीन का एक कौल है, आपसे किसी ने पूछा इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया कि मखलूक में किसी को भी हकीर ना समझे। तो जब आदमी हर एक से प्यार करेगा तो फिर तो एक अफराद हो, करीबी लोग हो, दोस्त हो, अल्हम्दुलिल्लाह यही मिजाज रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी सादगी और ये मिजाज भी बरकरार रखे, दवा अता फरमाए, सादगी का अपना हुसून है। तो क़िबला शाह साहब ये बताइए कि फैमिली के बारे में कुछ अगर बताना पसंद फरमाएं। सुना है हमने माशाल्लाह दो शादियाँ आपकी, तो खैर से कितने बच्चे अल्लाह ताला ने अता फरमाए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो निकाह हैं, पिछला एक भी चार बच्चे हैं और दूसरी तरफ भी चार बच्चे, माशाल्लाह टोटल माशाल्लाह आठ बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे देखने में बड़े कम उम्र लगते हैं कि जैसे अभी होने लगी शादी, वो एक फीलिंग्स वाली आ रही आती है। अल्लाह, मतलब आपको बड़ी एज नहीं लगती आपकी? तो उम्र तो खैर नहीं पूछूंगा, आपकी मर्जी है, वो तो लोग खुद बताना चाहे तो कम कर। तो माशाल्लाह ताला आपकी जवानी भी सलामत रखे। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज शायर खादरी का नया YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।